क्लासेस, मैं हूं दबिता। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने बजटरी डेफिसिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि हमसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। किसी भी डेफिसिट का हमसे क्या पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, गाइस आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर न्यू मोर वीडियोस। अब स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, जिसमें आपको तीनों डेफिसिट निकालने हैं। तीनों डेफिसिट कौन कौन से होते हैं गाइस आपके? पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल एंड तीसरा इज प्राइमरी डेफिसिट। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, राइट? तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स, ठीक है। अब हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन ही है 100, हमें उसमें से माइनस करना है रेवेन्यू रिसीट 80, तो आंसर आ जाएगा 20। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब बात करते हैं गाइस सेकंड चीज़, अगर हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब टोटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट कौन कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स। तो वो भी हमें गिवन है। कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स गाइस क्या होती है? वो रिसीट गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने या तो डिस सेविंग करके, यानी कि अपने एसेट बेचकर पैसा लेके आई है, या फिर कैसे लेके आई है, स्मॉल सेविंग्स के थ्रू, लेकिन उसमें बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए उसका पार्ट, तो कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग कहते हैं, या फिर इसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हमें चारों चीज़ें ही गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 110, और उसमें हमें माइनस करना है क्या? रेवेन्यू रिसीट 80 और कैपिटल रिसीट हमें गिवन है 95। तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 210 माइनस 175, तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड जो है गाइस हमारा, वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो अभी आपने ये निकाला, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना आया? 35 आया है। इंटरेस्ट पेमेंट हमने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया गाइस? 10 का। तो एक्चुअल में 25 जो था हमें बोरो करना पड़ा, तो 25 आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले है गाइस जो आपको याद होने चाहिए। फिस्कल डेफिसिट बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, प्राइमरी बोले तो फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये याद होने चाहिए, आपके चैप्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और गाइस अब हम एक सेकेंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये घाटे गिवन है, लेकिन हमें इसके अंदर की चीज़ें निकालनी है और एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटर रिलेटेड है। तो सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिमाग वाला है, तो इसे मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। गाइस अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें घाटे गिवन है, यानी कि तीनों घाटे गिवन है। फिस्कल डेफिसिट भी गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट भी, प्राइमरी डेफिसिट भी गिवन है। हमें रिसीट्स कौन कौन सी गिवन है? कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स गिवन है, यानी कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट भी गिवन है। निकालना क्या है? अंदर की चीज़ें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप इसे कैसे निकाल सकते हो गाइस? देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये किस फॉर्मूले में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट में तो नहीं आता। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, उसमें ये नहीं आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है हमारे फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला होता है गाइस इसका, फिस्कल डेफिसिट का? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, क्या माइनस करते हैं हम? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, टोटल जितना भी है इनका वो माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा खर्चा कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ठीक है। अब जब हम गाइस ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखोगे ये चीज़ हमें गिवन है, फिस्कल डेफिसिट हमें गिवन है, यानी कि ये हमें गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें नहीं गिवन, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमें निकालना ही है,
रेवेन्यू रिसीट गिवन है, कैपिटल रिसीट गिवन है। तो आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा गाइस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकलेगा आपका फॉर्मूला लगा के। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला लगेगा? रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब हमें रेवेन्यू डेफिशिएट कितना गिवन है? ऑलरेडी गिवन है हमें 9000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है और रेवेन्यू रिसीट हमें ऑलरेडी गिवन है 6000। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल लिया अपना 9 इधर जाके, 9 प्लस 6 कितने हो गए? 15000 का। तो यानी कि अब हमारा ये भी निकल गया है। कितना आ गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 15000। आसान था निकालना, ठीक है। हमने 15000 रुपये निकाल लिए हैं, हमें अब बस ये निकालना है। तो हमें फॉर्मूले में पुट करना है गाइस। अब हमें फिस्कल डेफिशिट ऑलरेडी गिवन था 12000, हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम निकाल चुके हैं 15000। वी डोंट नो अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम उसे ऐसे ही लिख देते हैं। माइनस में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों मिला के गाइस हो रहे हैं आपके 16000। ठीक है, फॉर्मूला खोला, 15000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 16000, और यहाँ पर हमारा था 12000। यह आ गया माइनस का 1000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 माइनस 16 माइनस 1 कैपिटल, और इधर इक्वल में क्या है? 12000। 12000 में गाइस माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो 13000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया आपका? 13000 रुपये। इन्होंने बोला टोटल एक्सपेंडिचर निकालो, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को प्लस कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा हमारा? 15000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 13000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया 28000। आसान था। इसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? बहुत आसान सा होता है ना। क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है इंटरेस्ट पेमेंट? हमारे प्राइमरी डेफिशिट में। प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमें प्राइमरी डेफिशिट 5000 गिवन है, फिस्कल डेफिशिट 12000 गिवन है, तो इंटरेस्ट पेमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये इधर आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट, और 12 में से 5 गए तो आ गया आपका आंसर 7000। तो ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, तो इसे ज़रूर से ट्राई करना है, क्योंकि आपको बाकी डेफिशिट्स गिवन होते हैं। डेफिशिट्स निकालना आसान होता है क्योंकि फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, बट अंदर की चीज़ें एक्सपेंडिचर या रिसीट निकालने के लिए ज़रूरी से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी तबिता मैसी, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।